खबर शिवपुरी एसपी ऑफिस से है, जहां एक युवक ने एसपी को शिकायती आवेदन सौंपा, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोगों ने एक राय होकर उनकी और उनकी मां गीता और पिता रति राम की लाठियों, सबलिया और कुल्हाड़ी से जान से मारने की आशा से मारपीट कर दी। युवक ने एसपी को शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उसने बताया कि सीताराम जाटव, उमेश जाटव, अरुण जाटव, अशोक जाटव, विजय राम जाटव, उमेश जाटव और जयेंद्र जाटव द्वारा एक राय होकर उसकी और उसकी मां गीता और पिता रतिराम की लाठियों, सबलिया और कुल्हाड़ी से जान से मारने के आशय से मारपीट कर दी और अश्लील गालियां देने लगे और कहा कि शिकायत करने पर जान से मार देंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि पूरा मामला ग्राम ढला थाना भोती जिला शिवपुरी का है, जहां एक युवक शंकर जाटव 20 जून शाम 6:30 बजे अपने ट्रैक्टर से जुताई करके शिव कुमार जाटव के खेत में से निकला तो सीताराम जाटव, उमेश जाटव पुत्र गण किशन लाल जाटव, अरुण पुत्र सीताराम जाटव और अशोक पुत्र कृष्णा जाटव, साथ ही में विजय राम पुत्र नक्टू जाटव और जयेंद्र पुत्र श्याम लाल जाटव, उमेश जाटव एक राय हो गए। और तभी सीताराम जाटव शंकर से कहने लगा कि मेरे भाई के खेत में से ट्रैक्टर क्यों निकाला। तब शंकर जाटव ने कहा कि खेत खाली है, अभी खेत में कोई फसल नहीं है तथा जुताई के ट्रैक्टर को तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसी बात पर से गंदी गंदी गालियां देने लगे और जब शंकर ने गालियां देने से मना किया तो शंकर की लाठी, डंडे, सबलिया और कुल्हाड़ी से एक राय होकर मारपीट कर दी, जिसे शंकर की पीठ में कुल्हाड़ी का निशान बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, परंतु शंकर जाटव ने एसपी ऑफिस आकर एसपी से उचित कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर जाटव। कहाँ से आए हो? ढला थाना बहुत जी। क्या समस्या लेके आए हो? जी समस्या लेके आए सर, मेरे पास मारपीट कर दी। किसने मारपीट कर दी? सीताराम ने, उमेश ने, अरुण ने और उनके बहनी उमर ने। क्यों मारपीट करी तुम्हारी? जी करी सर, मैं उसके भाई का शिव कुमार का खेत जोतने गया। तो आप उसका खेत क्यों जोतने गए थे? वो लोहा के गया था मेरे को, मेरा खेत जोत दो, बखड़े दो, काम करने के लिए। हाँ काम करने के लिए। कब की बात हो गई है ये? परसों की है। परसों की? किस चीज से आपके ऊपर हमला किया? कुल्हाड़ी दी शाम धार की ओर। कुल्हाड़ी? आपने तो संबंध थाने में इसकी शिकायत नहीं करी? करी साहब, तो टीआई साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या कह रहे थे वो? जी वो ये बोल रहे थे कि कागजी तुम्हारी कोई नहीं लेंगे, तुम जो जानो जहाँ जाना चाहते हो जहाँ जाओ, सर नहीं लेंगे। हाँ क्या चाहते हैं? जी चाहते हैं सर एफआईआर हो जाए। मोनू नामदेव की रिपोर्ट।